और बड़ी खबर सामने आ रही है, बात से बन गई है बात। महंगाई राहत कैंप शुरू होने से पहले राहत की खबर मिल रही है। खबर ये कि कल से पटवारी से लेकर तहसीलदार लौटेंगे अपने काम पर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। बात से बातचीत बन चुकी है और कैंप शुरू होने से पहले राहत की खबर मिल रही है। खबर ये कि कल से पटवारी से लेकर तहसीलदार काम पर लौटेंगे। कल से शिविरों में राजस्व कर्मी करेंगे काम। सीएम गहलोत से वार्ता के बाद काम पर लौटने का ऐलान किया गया। राजस्व सेवा परिषद ने किया काम पर लौटने का ऐलान। सहयोगी दीपक मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, बात से बात बन गई? देखिए बिल्कुल, शाम से ही इस बात का अंदेशा था क्योंकि एसीएस फाइनेंस से राजस्व जो सेवा परिषद के जो प्रतिनिधि मंडल है जिसमें तहसीलदार है, कानून को संघ है और पटवारी संघ है, इनके तीनों प्रतिनिधि मंडल ने बातचीत की और मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे हैं क्योंकि देखिए कल से महंगाई से राहत और किस तरीके से रियायत जो इस कैंपों के अंदर रियायत का इजाफा होने जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं उसमें यदि आपको अतिरिक्त लाभ चाहिए जो योजनाओं का अभी लाभ ले रहे हैं तो रियायत से जो इजाफा चाहिए उसमें यदि उसमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो इससे पहले देखिए मंत्रालय कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं, राजस्व कर्मियों ने आंदोलन का ऐलान कल से कर दिया था, आईटी जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर हैं, इसके अलावा खाद्य एवं नागरिक विभाग के जो डीएसओ जिला प्रवर्तन अधिकारी है निरीक्षक है वो हड़ताल पर है। तो लेकिन ये सुखद खबर है कि राजस्व सेवा परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और उनकी जो मांगे थी, उनकी डिमांड थी, उनके जब बताया कि इस तरह की डिमांड थी और जो पिछले जो जब पहले आंदोलन किया था तो उस समय जो समझौता हुआ था उसे लागू करने की उन्होंने मांग की है, मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है और आश्वस्त करने के बाद राजस्व सेवा परिषद के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कल से काम पर लौटने का है फैसला लिया है। तो ये राहत की खबर है क्योंकि देखिए ये राजस्व जो सेवा के अधिकारी हैं पटवारी से लेकर तहसीलदार, जिसमें पटवारी भी है, कानून को भी है, लायक तहसीलदार भी है, इन्हें राजस्व की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और राजस्व की जो रीढ़ की हड्डी होती है तो जब काम नहीं करती है तो नामांतरण, पंजीयन के कार्य, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, सीमा ज्ञान, राजस्व वसूली कार्य, पत्थरगड़ी के कार्य, नक्शों में तरमीम नहीं होना, काश्तकार के भूमि विभाजन के संबंध। अच्छा, मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है तो क्या कहा गया मुख्यमंत्री की ओर से? दीपक, जरा संक्षेप में जानना चाहूंगी आपसे। देखिए इनकी जो मांग थी कि नायब तहसीलदार पद को 100% पदोन्नति से बढ़ने की है, सीधी भर्ती के जो तहसीलदार सेवा के कार्मिकों को सीधे तहसीलदार पद पर नियुक्त करने की है, तहसीलदार सेवा के 50% पद पदोन्नति से बढ़ने की है, पटवारी और जो भू अभिरीक्षक निरीक्षक होते हैं नायब तहसीलदार व तहसीलदार का कैडर पुनर्गठन करने की मांग है, साथ में साथ जो कह सकते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी है उसको बनाने की मांग है, वेतनमान को जो वेतन विसंगति को दूर करने की मांग है और पटवारी पद को तकनीकी पद घोषित कर वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन करने की इनकी मांग है और पटवारी की जो ग्रेड पे है 2800 लेवल 8 करने की ये मांग थी। देखिए ये समझौता पहले हो चुका है जब इन्होंने जो राजस्व सेवा परिषद ने जब आंदोलन पहले किया था उस समझौतों को लागू करने पर ही अड़े हुए थे कि इसको आंदोलन इसको लागू किया जाए उसको लेकर। ठीक है दीपक गोयल, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।